अति सुंदर, अति सुंदर। ये अप्सराएं तो दिव्य तितलियों की तरह थिरकती हैं। वास्तव में इन अप्सराओं का नृत्य तो दिव्य है ही देवराज, किंतु इस दिव्य सोमरस का पान भी सब कुछ दिव्य बना देता है। सोम पात्र भरा जाए और इसे खाली मत होने देना। क्षमा करें देवराज, हमारे पात्र खाली हो गए हैं। तो और पात्र लाए जाएं। सारे खाली हो गए। क्या? आप मेरे लिए सोमरस अवश्य लाएंगे, लाएंगे न पतिदेव? परंतु ये विशेष सोमरस है जो ताल वृक्ष के फलों से बनता है। मेरे विचार से आपको किसी अन्य रस का पान करके अपनी प्यास बुझा लेनी चाहिए। पर ये रस केवल तालवन में ही बनता है जो कंस का निजी उद्यान है और दैत्य धेनुकासुर उसकी रक्षा करता है। अवश्य, किंतु मेरे महान पतिदेव इंद्र अपनी प्रिय पत्नी को एक साधारण दैत्य के कारण प्यासा नहीं रहने देंगे। बिल्कुल नहीं, मैं स्वयं तालवन जाकर इतना सोमरस ले आऊंगा कि यहाँ उसका तालाब बन जाए। उधर हे महाराज, कंस के सेवक कुछ ही पल में यहाँ आते होंगे सोमरस की अगली खेप लेने को। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तो मैं दो चार घूंट पी लूं। सोमरस पीने के बाद अपना मुंह बिल्कुल बंद रखना। महाराज को इसका पता चला तो सोमरस बनने से पहले हम दोनों का रस निकल चुका होगा। इससे पहले कि ये मूर्ख पूरा सोमरस पी जाएं, हमें कंस का सोमरस चुराना होगा। हमें उनका ध्यान बटाना होगा देवराज इंद्र। लुटेरे, भागो! कंस का सोमरस चुराना तो मेरी कल्पना से कहीं अधिक आसान है। तुमने कंस का सोमरस चुरा तो लिया, पर इसे चख नहीं पाओगे। तुम्हारे ये अस्त्र शस्त्र मेरे लिए खिलौने की तरह हैं। अगर ऐसा है धेनुका, तो इंद्र की बिजली का सामना करके दिखाओ। सभी प्राणी यहाँ खींचे चले आए हैं। कृष्णा, तुम बांसुरी सुनने आए हो? तुम्हारी गुंजन में किसी बांसुरी से कम नहीं है। तुम्हें पता है मैं गायों की बोली जानता हूँ। मुझे भी उनसे बातें करना आता है। मैं गिलहरी से बात कर सकता हूँ। तुमने वो आवाज सुनी कृष्णा? हाँ, लगता है किसी बाघ की आवाज है। उस ओर से आई थी आवाज।
नहीं, शायद उस ओर से आई थी। आवाज तो पास से आती हुई लगी थी, है ना भाई? हाँ, शायद वो पास ही है। कहीं छिप जाते हैं। चलो इन झाड़ियों के पीछे। तुमने वो देखा कृष्णा? मुझे लगता है उस तरफ है। तो कृष्णा है। तो तुम हो वो खतरनाक बाघ। देखते हैं कौन खतरनाक है। राधा देखो तो उन शैतान लड़कों को, हमेशा खेलते रहते हैं और सारा काम हम करते हैं। सब कृष्ण का किया धरा है। यदि माखन नहीं चुरा रहा होगा तो कोई नया उत्पाद कर रहा होगा। ये मधुर सुगंध कहाँ से आई? किसी अनोखे फल की लगती है। हमारे फलों में तो ऐसी मधुर सुगंध कभी नहीं आई। तो चलो खोजे स्वादिष्ट नए फल को और चखा दे पूरे वृंदावन को। ये सुगंध वहाँ से आ रही है। नहीं रुको, ये वही उद्यान है जिससे मैया यशोदा ने हमें दूर रहने के लिए कहा था। यहाँ का रक्षक है भयानक असुर धेनुका। बिना अनुमति प्रवेश करने वालों को जीवित नहीं छोड़ता। मन भर गया श्रीधर। हाँ, मैं तो थक गया और मैं भी थक गया। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। तुम इस कुश्ती के अभ्यास से थक गए होगे कृष्णा। आओ हम तुम्हारे पैर दबा देते हैं। ये अद्भुत सुगंध, इसकी खुशबू तो आम से भी मधुर है। मधु की नाक सच कहती है, ये सुगंध सच में मधुर है। आओ देखे ये कहाँ से आ रही है, और थोड़ी पेट पूजा भी हो जाएगी। अगर हम चले गए तो हमारी गायों का ध्यान कौन रखेगा? हाँ, हमारी गाय कहाँ चली गई? चिंता ना करो सुबाला, उनको भी इस सुगंध ने मोहित कर लिया होगा। उनको खोजने का एक ही उपाय है। मधु की नाक रास्ता दिखाएगी और हम उसका पीछा करेंगे। और मेरा पेट भी इस शुभ कार्य के लिए तैयार है। कोई आ रहा है। रेणुका सुर। ये तो कृष्णा और उसके मित्र हैं। तालवन की ओर जा रहे हैं। हमें उन्हें रोकना चाहिए। अरे मूर्ख, तूने महाराज कंस का अमूल्य सोमरस बर्बाद कर दिया। महाराज कंस का दूत सही कहता है, हमें अमूल्य सोमरस को बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। महाराज को कहना चिंता ना करें, उनका सोमरस सुरक्षित है मेरे पेट में। ये जगह कुछ ठीक नहीं लगती।
हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। हमें अपनी गाय लेने अंदर जाना ही पड़ेगा, वो तो वहाँ पर फल खा रही है, तो हमें जल्दी करना चाहिए। हाँ, इससे पहले कि हमारी गायों को कुछ हो जाए। नहीं, मेरा मतलब इससे पहले कि वो सारे फल खा जाए। कृष्णा, बलराम, रुको, वो देखो। ये तो वही है, धेनुका। इसका मतलब ये तो तालवन है। ये सुन के तो मेरी सारी भूख गायब हो गई। तुम्हारा सर भी गायब हो जाएगा यदि धेनुका ने तुम्हें पकड़ लिया। यहाँ से निकलने में ही भलाई है। ठहरो, पहले अपनी गायों को तो यहाँ से निकाले। बलराम ठीक कहता है, और यदि हमें प्राणों का खतरा है ही, तो क्यों ना इन स्वादिष्ट फलों से पेट पूजा करने के बाद अपने प्राण त्यागे जाए। मुझे अपने प्राण नहीं गंवाने, भले ही मुझे दुनिया के सबसे स्वादिष्ट फल मिल जाए। इतना भी मत डरो सुबाला, हमारे साथ कृष्णा है ना। धेनुका असुर शक्तिशाली होगा, परंतु कृष्ण ने ऐसे न जाने कितने असुरों का संहार किया है। सुबाला, श्रीधाम, तुम गायों को यहाँ से निकालो, हम बाकी के लोग यहाँ से वृंदावन वासियों के लिए ताल फल लेकर आते हैं। ये लोग तो कंस के फल चुराने वाले हैं। ये लोग संकट में हैं। चलो मैया यशोदा को बताते हैं। दधि, तुम धेनुका पर नजर रखना, ध्यान रखना कि वो इस ओर ना आने पाए। ये तो असंभव है, इतने ऊपर हम में से कोई नहीं पहुंच सकता। यदि हम फल तक नहीं पहुंचे, तो फल हम तक पहुंच जाएंगे, अभी देखो। ये आवाज कैसी? लगता है ताल वृक्षों के पास कोई है। वाह, इतना पीने के बाद भोजन भी आ गया। शांत, ये तो केवल एक सिर फेरा बंदर है। लगता है इस प्रेम के भूखे को तुमसे प्रेम हो गया है धेनुका। चोर कहीं के, तूने कंस का फल चुराने की हिम्मत की? पकड़ो उसे। दधि कुछ बताना चाह रहा है, लगता है उसे और फल चाहिए। ये कंस का निजी उद्यान है, इसके फल चुराने का तुम्हें कड़ा से कड़ा दंड मिलेगा। यहाँ तो कंस की आवश्यकता से कहीं अधिक फल है, क्या हम नन्हे नन्हे बच्चे थोड़े से फल चक्कर अपनी भूख नहीं मिटा सकते? बोलिए संतरी महोदय। ये हमसे जबान लड़ाता है, तुझे इसका भी दंड मिलेगा। लेकिन कंस होता कौन है? ताल वृक्षों के चारों ओर ये बाड़ बनाकर इन्हें अपना कहने वाला। ये वृंदावन की धरती है, समझे, और इस पर सबका अधिकार है। तब तो तुम्हें कंस की धरती का भी हिस्सा देना चाहिए। क्यों? अधिकार की बात करता है। अब देखते हैं किसको दंड मिलता है। मेरे विचार से तुमको। राधा, ललिता, क्या हो गया तुम दोनों को? सारी गायें वो चली गई हैं तालवन की ओर। हाँ यशोदा मैया, कृष्णा और बाकी लड़के भी उनके पीछे गए हैं।
हमने वहाँ धेनुका सुर को भी देखा। धेनुका सुर, तुमने कंस के उद्यान में चोरी की, मैं तुम्हें अपने पैरों तले रौंद कर तुम्हारा रास निकालूंगा। भी अब तुम्हें नहीं बचा पाएगा। कृष्णा, वो हमें बचा नहीं रहा था, तुम्हारे साथ खेल रहा था। वैसे मुझे खेलने का इतना शौक नहीं है गधे जी। चाहे तो मैं तुम्हारा खेल ही खत्म कर देता हूँ। क्या ये मर गया? बिल्कुल मर गया। बलराम जैसा युद्ध पूरे वृंदावन में नहीं। ऐसा लगता है थोड़ा सा युद्ध बाकी है मेरे भाई। तुम्हारा भाग्य अच्छा था कि धेनु का मारा गया, पर अब होगी तुम्हारे दुर्भाग्य की शुरुआत। जल्दी चलो उस और भागो। है तो दे देते हैं, कुचल दो इन्हें ताल वृक्षों के तले। धेनुका सुर,
मेरा कृष्णा कहाँ है? मैं यहाँ हूँ मैया। हम तो आपके लिए थोड़े से ताल फल जमा कर रहे थे मैया। परंतु ये तो कंस का उद्यान है। है नहीं था हा? अब ये तालवन वृंदावन वासियों का है। ये लो,